रील वगैरह बनाओ बहुत सुंदर आती है ना, व्यू अच्छा लगता है यहाँ का। और यहाँ पे फिर हम आ गए थे ना साईं बाबा जी के मंदिर में, और यहाँ पे हम कई साल पहले आए थे। और हमेशा ना हमारा आना ऐसे ही होता है कि साल के एंड में या साल के स्टार्टिंग में, तो बहुत अच्छा लगा, हमने दर्शन किए। फ्रेंड्स आप लोग भी कर लीजिए साईं बाबा के दर्शन, सबकी बाबा जी की कृपा सभी पे बनी रहे और सभी अपनी लाइफ में कामयाब हो। फ्रेंड्स आ गए थे बच्चों के लिए कि कुछ खिलाने पिलाने के लिए, तो यहाँ पे ना डोमिनन पिज़्ज़ा बर्गर ये सब मिलता है ना, बच्चों को तो ये सब पसंद होता है ना गाइज। और मेरा पता है क्या मन कर रहा था, गोल गप्पे और चाट खाने का, लेकिन वही है कि भाई चलो बच्चों की मन की होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो जो गोल गप्पे है ना वो भी इतने महंगे मिलते हैं कि क्या कोई खाएगा, 20-25 रुपये में बाहर आप पेट भर के खा लो। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ अपने खाने पीने का ऑर्डर किया, वो बर्गर है और क्या बोलते हैं उसको, जो फिंगर चिप्स वगैरह जो सब होती हैं, ठंडा उंडा सब, मतलब ठंडा जो आइसक्रीम वगैरह सब होती है। तो बच्चों ने फ्रेंड्स अपनी अपना जो बर्गर पिज़्ज़ा फिंगर चिप्स ये सब लिया, और मैंने भी थोड़ा बहुत ले लिया था। और मेरा मन तो गोलगप्पे का ही कर रहा था खाने का, चाट ये सब, बट फिर मैंने पिज़्ज़ा थोड़ा सा मतलब खा लिया, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि मेरी दिक्कत हो जाती है ना, मैदा मैदा वगैरह होता है। और यहाँ पे ये फ़ोटो, यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खींचे बहुत सारे की क्लिक किए थे, जो कि मैंने वीडियो में लास्ट में लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमने खाए बर्गर, क्या खाया पिज़्ज़ा, और ठंड लग रही है मेरे को, और ये बच्चे मेरे को ना वीडियो नहीं बनाने देते हैं, इसलिए मेरी एक भी रील नहीं बनानी थी यहाँ पे, बहुत ख़राब बच्चे हैं ये, सच्ची में परेशान हो गई मैं
एक भी रील, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे रील बनाने का, एक भी नहीं बनाने दी, सब घर को भागने को तैयार है तो बहुत अच्छी जगह पे ये ना करनाल कर्ण लेके ना यहाँ पे है, ये यहीं पे हम लोग कई बार आ चुके हैं। हम एक मंदिर और जाएंगे फिर सीधे घर जाएंगे, ठंड भी लग रही है, बालों का तो ऐसे ही हो रहा है ठंड में ना, पहन ही लेती हूँ। गर्म पानी की बोतल साथ लेके चलती हूँ क्योंकि ना गला खराब हो जाएगा। तो फिर से हम वापस आ गए थे करनाल मेन सिटी में, और ये जो कृष्ण जी का मंदिर है ना ये करनाल के मेन सिटी में ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग अब मतलब दूसरी बार ही आए हैं, जबकि हम लोग को ना करनाल में 5-6 साल हो गए हैं बट नहीं आना हो पाता है। तो अब तो बहुत अच्छा बन गया है, एकदम ना जन्म मूवी जैसे लुक आता है पूरा मंदिर का, और अंदर अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी आज की, और आगे भी पसंद आएंगी, और अब तक पसंद ही आती होंगी ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ फ्रेंड्स। और जो भी कमियाँ आपको लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स, और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप अपनी राय ज़रूर दें मुझे। और हम लोग दर्शन करके अब घर के लिए निकल लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, कहीं भी चले जाओ 9-10 तो आराम से बज जाते हैं, दिन तो होता है फ्रेंड छोटा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए 2023 जिसमें कि हम अब आ चुके हैं, बस वही है ना फ्रेंड्स, देखिए सब कुछ वही रहता है, सिर्फ एक ना कैलेंडर चेंज हो जाता है और बाकी तो कुछ भी नया नहीं लगता है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, लाइफ हमारी और मतलब वो ये ना कि कुछ अच्छा हो जाए तो लगता है कि हाँ भाई साल में कुछ अच्छा हुआ, तो ये भी अच्छा है कि चलो सब कुछ अच्छा ही जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। बट मेहनत जो करते हैं ना तो उनका मतलब उनका तो कुछ होना ही चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ कि देखिए किसी की मेहनत ना बेकार नहीं जानी चाहिए, मेहनत करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत मेहनत की और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो पता नहीं तकदीर कहाँ सोई हुई है हम लोगों की, कब जागेगी, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान जी की नज़र कब हमारे हम पर पड़े, कब यूट्यूब की नज़र हम पर पड़े कि हमारी तकदीर में भी कुछ बदलाव आए। और फ्रेंड्स हम आ गए थे अपने नवोदय में, एंटर कर चुके हैं, हमेशा ही जाते हैं तो मेमोरी तो रहती ही है, बट लाइफ में ना हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अभी वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक पड़ाव ऐसा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो स्टेज आपकी कभी भी हो सकती है, स्टूडेंट लाइफ में हो सकती है या फिर मतलब एक टाइम होता है कि जब आपको ना एक खून पसीना दिन रात एक करने पड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा वो अब ये समय है, दिन रात और पसीना वसीना सब एक ही हो रहा है क्योंकि हम लोग 24 घंटे लगे रहते हैं, 5-6 घंटे की नींद भी नहीं लेते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में। और फिर हम 1 जनवरी को भी मंदिर गए थे तो वो मैं आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, और यहाँ तक आ गए हैं तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, सबके जीवन में खुशहाली आए और हमेशा रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में।